ए हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी तुझ बिन कितने बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब तो नहीं रही। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक रिदम लेकर आ रहा हूँ, उसका नाम है सोल। यानी कि इस रिदम के बारे में ये बताऊंगा कि ये कब आई थी, सबसे पहले किस सॉन्ग में यूज हुई थी। ये जो रिदम है सोल 90% वेस्टर्न सॉन्ग्स में लगती है, इंग्लिश सॉन्ग्स में। तो सबसे पहले एक सॉन्ग आया था डम्बर डम, 1970 में आया था सॉन्ग, तो उसमें यूज हुई थी, उसमें आरडी बर्मन साहब ने यूज की थी। इसके बोल इस तरह है, जब तक बोल बोलने नहीं आएंगे तो आप बजा नहीं पाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा ये कैरवा का रूप है। कैरवा में सभी 90% बीट्स निकलती है, उसके पैटर्न का है। ये कैरवा का रूप है सोल। इसकी मात्रा भी वही 8 या 4 कह लीजिए, 1 2 3 4। तो पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा आपको इसके बोल बताऊं क्या है, बजाना बाद में आपको बताऊंगा। तो इसके सॉन्ग्स भी काफी पॉपुलर हुए, जैसे दम्बर दम है, आज जाने जा ढूंढता फिर रहा, दर्द दिल। मैं सभी की लिस्ट इसमें ऑन स्क्रीन लिखूंगा। सबसे पहले मैं इसके बोल के बारे में बताऊंगा कैसे। पहले मुंह से बोलना सीखेंगे तभी बजा पाएंगे। इसमें इसके बोल है झिन चक को कैसे बजाना, झिन चक मतलब झिन में आपने ये यही पे रुक जाना है, छठी तार पे मार के झिन चक। दूसरा डाउन बनना, दोनों डाउन है, झिन चक। इसके बीच में क्या आपने ऐड करना, चा 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 चा, मतलब ऐसा चा 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 चा, झिन। इसको दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा, झिन चक चा 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 चा। हम स्लो में करेंगे, पहले स्लो झिन चक चा 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 चा। जब आप जाएंगे ना झिन चक पे पूरी तारे आ गई, तो साथ के साथ लेट भी होना चा 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 चा। उसके बोल कैसे बजाने, डाउन से, मतलब कहने का स्टार्टिंग में 3 बार डाउन आना है, झिन चक चा 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 चा, झिन चक चा 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 चा, वन टू थ्री फोर। पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, चा 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 चा, डाउन से स्टार्ट होना चा 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 चा। ये डाउन है जी आपका, चा 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 चा। किसमें मिक्स करना है, झिन चक में, झिन चक में मिक्स करना है, इसमें मिक्स करेंगे चा 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 चा। अब मैं प्रॉपर रिदम टाइम से आपको बताता हूँ कैसे। रेडी, 1 2 3 4। ये हमारी सोल रिदम है, ये 1 2 3 4 डाउन पे खत्म हो रहा है, डाउन से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में 3 बार लीजिए, आप इसके साथ ट्राई करो, 1 2 3 4।
दमा दम थोड़ी सी बात कर रहे स्लो में करके दिखाता हूँ आपको, रेडी रहिए आप गिटार उठा के इसके साथ बजाने की कोशिश करिए, बोल के ढिन चक 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 1 2 3 स्टार्ट। उसमें क्या ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है ऐसे चक के बाद तीसरा जो ये आता डाउन आता है साथ के साथ, लेट नहीं होना। आपके सामने सोल बीट जो कि वेस्टर्न में बहुत लगती है, 90% के करीब लगती है, बाकी इंडियन सॉन्ग्स में भी काफी लगी है, तो आप जरूर ट्राई करिए उसको बजा के। पहले बोल बोलना सीखिए तभी आपको आएगा, तो ये भी जानना जरूरी है वेस्टर्न बीट है ये कैरवा से निकली, कैरवा का पैटर्न है, कैरवा को हम 4x4 भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर और नई बीट लेके आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।